सो वंस अगेन माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th, वेलकम बैक. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद अवर सेमेस्टर 1 रिविजन सेशन. एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रू और फॉल्स. ओके फ्रेंड्स, एज सच मैंने सिर्फ 5 चैप्टर कवर किए हैं एंड ऑल चैप्टर्स आर फ्रॉम द आई थिंक इवन नंबर 1, 3, 5, 7, 9. ओके, एंड मैचिंग के लिए मैंने चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिया है. सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस 25 ट्रू और फॉल्स. ओके, सो आई लव द बैकग्राउंड. फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर कोकोनट ट्री हम लोग देख रहे हैं. एनी हाउ, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो हियर इज योर, ओके आई लाइक दिस व्यू. सो हियर इज चैप्टर नंबर 1 एंड लेट अस सी. देव गुप्ता वॉज द किंग ऑफ मालवा. वेल, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू. आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ. नंबर 2, हर्षवर्धन वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ प्रभाकर वर्धन. वेल, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. हर्षवर्धन जो है वो प्रभाकर वर्धन के सन है. ओके, उनके बड़े भाई नहीं है. हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम है राज्यवर्धन. ओके, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. राज्यवर्धन हैड स्प्लिट डिवाइडेड हिज रूटीन इनटू 5 स्लॉट्स. वेल, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आपने लिसन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हर्षवर्धन ने अपने जो दिन थे ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ओके, 1 फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड 2 फॉर द सोशल पर्पस, जहाँ पे वो दान दून किया करते थे एंड ऑल दैट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ. 4 नंबर का ट्रू और फॉल्स आपसे पूछ रहा है. द ग्रेट पोएट बाण भट्ट कंपोज द कादंबरी. वेल, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड अब हम बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ. करेक्ट स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम होती है कि हमको कुछ डिस्कस करने के लिए कुछ होता नहीं है. ओके, बट नाउ 5 नंबर. हर्षवर्धन हैड कंपोज द प्ले हर्ष चरित्र. वेल, इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. उन्होंने ये 3 प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड ये, मतलब उन्होंने 3 चीज़ें कंपोज की थी. सो एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हर्षचरित्र हर्षवर्धन ने कंपोज नहीं की थी. दो हर्षवर्धन इज हिमसेल्फ अ ग्रेट पोएट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने है चैप्टर नंबर 3. वेल, चैप्टर नंबर 3, ट्रू और फॉल्स नंबर 6, हियर वी गो. द गवर्नमेंट इज अ मैनेजियल यूनियन, इट्स अ ट्रू. नाउ व्हाट यू मीन बाई मैनेजियल यूनियन? देखो, आपके जो देश चलाना होता है ये कोई आसान बात नहीं होती है. और गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे देश को एक तरह से मैनेज करती है. हमारे कौन से कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं, कब हमको कितना मनी सप्लाई देश में देना है, कब कितना मनी खींचना है, ये इट्स अ बिग टास्क. ओके, एंड गवर्नमेंट यही काम करती है. आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 7 की तरफ. वेल, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है. द गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स थ्रू द राशन शॉप्स. वेल, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम बिल्ड किया हुआ है जहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको राशन शॉप से बहुत ही खाना मिलता है और वो भी चीप प्राइस में मिलता है. आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 8 की तरफ. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है. द गवर्नमेंट इज एन असेंशियल बॉडी ऑफ एवरी स्टेट. हर स्टेट की एक प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए. तो वेल, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. विदाउट गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स कर जाएंगी, फिर हम में और जंगलों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 9 की तरफ. वेल, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है. द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेम द लॉस. वेल, इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, एक्चुअली में ये लेजिस्लेटिव नहीं आएगा अगर यहाँ पे, सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा यहाँ पे. अगर लेजिस्लेटिव कमेटी होता तो ये आंसर ट्रू होता. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूट का काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानून को फ्रेम करवाना. जहाँ पे स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करवाती है एंड सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 10 की तरफ. कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को सारे स्टेट्स का यूनियन बनाया है. वेल, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड यहाँ पर समाप्त होता है आपका चैप्टर नंबर 3. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ. वेल, चैप्टर नंबर 5, इट्स अ चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी. सो यू कैन सी मैंने बहुत केयरफुली चैप्टर सिलेक्ट किए हैं
फर्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री, सेकेंड फ्रॉम यू कैन से सिविक्स, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम द ज्योग्राफी. ट्रू और फॉल्स नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन. कितना राइमिंग लगता है नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन. वेल ये फॉल्स है. अगर आपने चैप्टर ध्यान से देखा होगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन थोड़ा जिगजैग मैनर में है, ओके, क्योंकि अगर एक ही आइलैंड पे से पास होगी तो एक ही आइलैंड पे दो दिन और दो अलग अलग डेट्स तो पॉसिबल हो नहीं सकती. तो उन्होंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया एंड इंटरनेशनल डेट लाइन को जिगजैग मैनर में बनाया है. सो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग मैनर में है, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 12 की तरफ. वेल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 365 डेज. देखो पहले तो आपको दो चीज़ें समझनी होगी चैप्टर में कि रोटेशन क्या होता है एंड रिवोल्यूशन क्या होता है. हम जो मतलब बॉल को गोल 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 घुमाते हैं, जैसे हम लोग ना बॉल को यूँ घुमा देते हैं तो बॉल एक सर्कल कंप्लीट करती है, उसको हम लोग कहेंगे रोटेशन, ठीक है, जो अर्थ को लगता है 24 आवर्स. अगर यहाँ पर क्वेश्चन में द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स होता तो ये स्टेटमेंट हो जाता आपका ट्रू. सिंस रिवोल्यूशन क्या होता है, सन बीच में होता है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है, और जब वो एक राउंड कंप्लीट करती है रिवॉल्व करके तो उसे हम लोग करते हैं कहते हैं वन ईयर. एंड वन ईयर यू नो इट वेरी वेल, 365 डेज. अगर यहाँ पे द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, रोटेशन की जगह रिवोल्यूशन होता तो भी ये ट्रू होता, ओके. सिंस रोटेशन 24 आवर्स में होता है सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 13 की तरफ. वन लॉन्गिट्यूड टेक 1 मिनट टू पास इन द फ्रंट ऑफ द सन. वेल ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है. करेक्ट आंसर अगर यहाँ पे 1 मिनट की जगह 4 मिनट होता तो ये करेक्ट होता. हमको पता है हमने अपनी अर्थ को 360 डिग्री कर दिया है. 360 को अगर हम 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेंगे 15, ओके. सिंस 15 को अगर हम 1 आवर से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेंगे 4 मिनट्स, जो मैंने आपको अच्छे से चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स. अगर यहाँ पे 4 मिनट्स होता तो ये हो जाता ट्रू. आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के ट्रू और फॉल्स में. वेल डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम लॉन्गिट्यूड हैव डिफरेंट लोकल टाइम. फॉल्स, ओके. तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड का अलग अलग टाइम होगा. वेल ये तो गलत बात है, सेम ही टाइम होता है बट कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो क्या टाइम रखती हैं. वेल सारे फॉल्स 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 सारे, फाइनली एक ट्रू आएगा. 15 नंबर की बात करते हैं. यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लोकल टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज सेम इन द सेम कंट्री इज डिफरेंट. लोकल टाइम अलग अलग कंट्री का डिफरेंट हो सकता है. वेल हो सकता है क्योंकि कंट्री से डिपेंड करता है कि कितने टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं. या तो एक टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं जैसे इंडिया में, या फिर दे कैन सिलेक्ट मल्टीपल टाइम जोन्स लाइक द रशिया एंड कैनेडा एंड यूएसए. तो वेल इट्स देयर चॉइस, सो ट्रू हो जाता है. सो यहाँ पे फिनिश होता है चैप्टर नंबर 5. अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो है अगेन एक ज्योग्राफी वाला चैप्टर. वेल यहाँ पर आपसे ट्रू और फॉल्स नंबर 16 पूछ रहा है, द ईस्ट वेस्ट विथ ऑफ इंडिया इज मोर देन इट्स नॉर्थ साउथ लेंथ. क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर इजिली दे सकते हो. वेल क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया की ईस्ट वेस्ट विथ, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 2933, ओके. अब ये क्या कह रहे हैं, ये मोर देन है नॉर्थ वेस्ट से. नॉर्थ से वेस्ट तक आपको पता है 3214, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था. तो 3214 किलोमीटर आई थिंक लास्ट सेशन में देखा था. सो 3214 किलोमीटर है. तो 2933 3214 से बड़ा है. वेल फॉल्स हो जाता है ये स्टेटमेंट, ठीक है. अगर नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट यूँ होते तो शायद हो जाता करेक्ट. सो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के ट्रू और फॉल्स की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है हिमालय इज नॉट वन माउंटेन बट इट्स ए सीरीज ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस. तो हिमालय कोई एक पर्वत ना होके बहुत सारी पर्वतों की एक श्रृंखला है, एक कलेक्शन है. वेल ये स्टेटमेंट आपका है बिल्कुल ट्रू. आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 18 की तरफ. एंड आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरी दुनिया की, ये लोकेटेड है नेपाल में. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. 8848 मीटर हाइट है.
माउंट एवरेस्ट की, पर अभी रिसेंट जो आया है उसमें हम लोगों ने 0.86 भी ऐड कर दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 19 की तरफ। देयर इज ए सी ऑन 3 साइड ऑफ इंडिया। वेल ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जस्ट बता दूं, वेस्ट में मिलेगा आपको अरेबियन सी नंबर 1, नंबर 2 साउथ में मिलेगा आपको इंडियन ओशन नंबर 2, एंड नंबर 3 आपको ईस्ट में मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स नंबर 20 की तरफ। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नैरो देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेल इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इंडिया का, जो समुद्र किनारा है, वो बहुत ही पतला है, जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत बड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत छोटा है। ये यहाँ पर इस स्टेटमेंट के धजिया उड़ जाते हैं और ये फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो है फ्रॉम द सिविक्स पार्ट। ओके सो लेट अस फिनिश देम। एंड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है द इलेक्शन ऑफ MLA इज डन इनडायरेक्टली। सो नहीं, MLA के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली ना होकर डायरेक्टली होते हैं। सो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। 22 नंबर, द पार्टी डेट रूल्स इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। यस इट्स ट्रू। और जो पार्टी हार जाती है वो होती है अपोजिशन पार्टी। 23 नंबर है ना, द पार्टी डेट रूल्स द कंट्री इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। ओके आजकल वो मीम बहुत फेमस हो गया है, ये हम हैं, ये हमारा मोबाइल है और हमारी पढ़ाई हो रही है। ओके एनी हाउ सो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। तो गवर्नर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। वेल इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड 24 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। वेल इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, MLA प्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ, चीफ मिनिस्टर मैनेज द सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वेल अगेन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ओके हमारा चैप्टर और फॉल्स वाला सेशन खत्म हो गया है। आई होप आपको ये सेशंस मज़ा आ रहा होगा। ओके वेल मज़ा तो मुझे भी बहुत आ रहा है बाय लुकिंग एट दिस ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, एंड अच्छा लगता है। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे।